नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन पर, जो कि कांस्टेबल फायर पोस्ट के लिए निकाली गई भर्ती के रिगार्डिंग है। यहाँ पर कांस्टेबल पद के लिए 1149 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका विज्ञापन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इसके जो फॉर्म भरे जाने हैं कब से भरे जा रहे हैं दोस्तों, तो 29/1/2022 से भरे आने हैं और 4/3/2022 तक भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग डेट जो है 4/3/2022 है, यानी कि 4 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक है। ठीक है, अच्छा, पे लेवल 3 की ये भर्ती है, 21,700 से स्टार्टिंग होगी और 69,100 इसकी कैपिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो PET होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और रिटेन एग्जाम कैसे होगा, तो OMR सीट पर या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, अभी क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल कितना है, तो पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100। नेशनलिटी या सिटीजनशिप यानी कि कहाँ किस देश के लोग इसको भर सकते हैं, तो केवल भारत के लोग ही इसको भर सकते हैं जिनके पास सिटीजनशिप है इंडिया का। उसके साथ वैकेंसीज डिटेल यहाँ पर दी गई हैं हर एक राज्य में और हर एक कैटेगरी से कितने कितने पोस्ट हैं हर एक राज्य में यहाँ पर दी गई हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हैं अपने अपने राज्य के हिसाब से। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, और कब तक ये पूरा होना चाहिए, तो 4/3/2022 से पहले पहले ये जो 12th की क्वालिफिकेशन ये कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट जो 18 से 23 वर्ष होना चाहिए और रेंज क्या है, कौन से किस डेट से किस डेट के बीच के जो डेट ऑफ बर्थ वाले हैं वो उसको इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो 5/3/1999 से 4/3/2004 से पहले पहले तक के जो बीच में जो फंसने वाले कैंडिडेट हैं वही लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का छूट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होगा, तो हाइट होगी 170 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा 80 से 85 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब कि फुलाव, सीने का फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट के कुछ एरिया के जो कैंडिडेट होते हैं उनको छूट मिलता है, वो क्या है, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, मतलब हिल एरिया के, पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले, जैसे गोरखा गढ़वाली, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो हाइट होनी चाहिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए सीने का। ठीक है, तो ये जो लोग भी फुलफिल करेंगे वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कैंडिडेट जो ट्राइबल जो कैंडिडेट हैं यानी कि ST कैंडिडेट हैं, वो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीने का जो माप है वो 70 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 70 मिनिमम और मैक्सिमम 82 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। वेट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। टैटू अगर है तो धार्मिक टैटू अगर है, ठीक है, शरीर पर, और वो भी कुछ लिमिटेड मात्रा में है, तो वो एलिजिबल होगा यहाँ पर। ओके, चलिए आगे जो कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई जो है ऑनलाइन मोड में हो रहा है www.cisfrect.in पर, तो यहाँ से जाके आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में। ठीक है,
अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर के समय में आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर जो है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे आप लोग वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 4/3 यानी कि 4 मार्च 2022 है शाम के 5 बजे तक, ये भी ध्यान रखना है आपको। पहले पहले ही आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और SC ST और ESM मतलब होता है एक्स सर्विस मैन, इनके लिए फीस में पूर्ण रूप से छूट दी गई है, ठीक है। तो फीस जो 100 रुपये सबको पे करना है, किसी भी भाई को अगर दिक्कत हो रही है इस फीस को पेमेंट करने में, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस फॉर्म को ज़रूर भरें। मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ग्रो ऐप का, ठीक है, वहाँ पर उस ग्रो ऐप पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे, 100 रुपये आपको तुरंत मिल जाएंगे, उससे अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है, अगर दिक्कत होती है तब, है ना। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 100 रुपये आपको घर से नहीं लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये जो रिटन टेस्ट होना है ये CBT या OMR बेस होना है, यानी कि CBT भी हो सकता है, OMR बेस भी हो सकता है, तो आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा कुछ समय बाद। ये 100 नंबरों का पेपर होगा, 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर्स के लिए, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा 4 पार्ट में। पहला पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबरों के लिए, और दूसरा पार्ट होगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंकों के लिए। पार्ट सी में यानी कि तीसरा पार्ट होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंकों के लिए। पार्ट डी होगा इंग्लिश और हिंदी, तो फॉर्म भरते समय जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे हिंदी या इंग्लिश में से, उनमें से आपको एक करना होगा, 25 क्वेश्चन करने होंगे 25 अंकों के लिए, ठीक है। तो ये टोटल 100 नंबर्स हैं 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए यानी कि कट ऑफ जो है जनरल ESM या EWS के लिए 35% है, और SC ST OBC के लिए 33% कट ऑफ रखी गई है, यानी कि इतना अगर आप लाते हैं तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे अगले राउंड में जाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे फीस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, 100 रुपये जो फीस है वो SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर छूट कर दी गई है, उनको फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जनरल OBC और EWS उनके लिए फीस पेमेंट करना होगा 100 रुपये। जिनको भी दिक्कत होती है वो ग्रो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये ट्रेडिंग ऐप है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग उसमें रजिस्टर करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और 100 रुपये आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है, और अगले दिन उसको विड्रॉल करके आप लोग फॉर्म को आराम से भर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ग्रो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो को, वहाँ से जाके आप लोग ऑनलाइन उसको अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लीगल चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि जानकारी मिल गई है और आप लोग फॉर्म जरूर भरेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।